अब हमने पैरेलल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है, तो ये देने बात रखिएगा कि पैरेलल स्ट्रक्चर बहुत अहम रोल अदा करता है जब आप ई कैट कर रहे हैं या एम कैट कर रहे हैं या सेट वन कर रहे हैं, ठीक है, या आप TSS का इम्तहान दे रहे हैं या कोई और इस तरह का इम्तहान दे रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। अब हमने आज डिस्कस किया पैरेलल स्ट्रक्चर, आप फिर सुन लीजिएगा पैरेलल स्ट्रक्चर है क्या चीज़। पैरेलल स्ट्रक्चर इज ए स्ट्रक्चर, और इन अदर वर्ड हम इसको इस तरह कह सकते हैं, इन ए सेंटेंस इन विच देर आर टू और मोर एलिमेंट ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस। वो इक्वल इम्पॉर्टेंस क्या थी, यानी कि ING फॉर्म जब हमने डिस्कस की और टू बी भी हमने डिस्कस की, यानी प्रेपोजिशन प्रेपोजिशनल फ्रेज भी डिस्कस की, तो ये टू दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं और आगे भी फिर हमने उसी से ही करना है। यानी मैं फिर आपको समझा देता हूँ, यानी वो कहते हैं इन ए सेंटेंस इन विच देर आर टू और मोर एलिमेंट ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस, किसी भी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा बिल्कुल मुकाबलतन एलिमेंट होंगे तो आगे भी वही एलिमेंट इस्तेमाल होगा, जिस तरह हमने हमने किया था अपना ING फॉर्म को, या हमने दूसरा प्रपोजिशनल फ्रेज को किया, या इन्फिनिटी को किया। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये मैं बात कहना चाहूँगा कि अगर इफ यू अंडरस्टैंड आई मीन दैट इज अ पैरेलल स्ट्रक्चर, देन डेफिनेटली यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड आई मीन दैट इज द रेस्ट ऑफ द अदर। सो रेस्ट ऑफ द अदर वी विल ट्राई टू डिस्कस द नेक्स्ट डे।